महादेव मेला है, इसमें काफी अधिक संख्या में, लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो निश्चित तौर पे एक चुनौतीपूर्ण स्थिति रहती है। पुलिस ने नाके लगाए हैं, जिनमें ब्रेथ एनालाइजर से जो शराब पी के वाहन चलाते हैं उनकी चेकिंग की एक नवीन व्यवस्था की गई है। सतपुड़ा की सुरम्य वादी इन दिनों भगवान शिव के भक्तों से कहीं ना कहीं भरी हुई है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में भक्त भगवान शिव के दर्शन करने महादेव मेला यानी चौड़ागर पहुंच रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की ये भक्ति का सिलसिला शुरू हुआ है 25 फरवरी से, जो शिवरात्रि के दूसरे दिन यानी 9 मार्च तक चलेगा। पुरातन मान्यता के अनुसार भगवान भोलेनाथ सतपुड़ा की पहाड़ी में भस्मासुर से बचने आए थे। भस्मासुर को उन्होंने वरदान दिया था कि वह जिसके सिर पर भी हाथ रख देगा वह भस्म हो जाएगा। उसके बाद भस्मासुर भगवान शिव के पीछे ही लग गया। भगवान शिव भागते हुए यूं कह ले कि सतपुड़ा की पहाड़ियों की तरफ आए और उसके बाद वे यहां पर छिपे। मान्यता अनुसार यह माना जाता है कि भगवान विष्णु ने नृत्यकी का रूप लिया और फिर भस्मासुर ने अपने सिर पर ही हाथ रख दिया और भस्म हो गया। इतना ही नहीं, भस्मासुर को लेकर शिवजी की जो मान्यता है उसके अलग एक और मान्यता भी इस क्षेत्र में इस मेले की है। दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान शिव के भक्त यहाँ पर सतपुड़ा की सुरम्य वादियों में भगवान की साधना कर रहे थे। उन्होंने भगवान शिव का दर्शन पाया और भक्त ने भगवान शिव को यहाँ रहने का आग्रह किया, जिसके बाद भूरा भगत के रूप में भगवान शिव की पहचान बनी है, जिसके दर्शन के लिए प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में भक्तगण शिवरात्रि के अवसर पर महादेव मेले में आते हैं। चौड़ागढ़ की प्रतिष्ठा दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। बड़ी संख्या में भक्तगण प्रतिदिन पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने भी इस मेले को लेकर जबरदस्त व्यवस्थाएं की हुई है। पुलिस प्रशासन हो या स्थानीय प्रशासन, तगड़ी व्यवस्था के बीच में यहां पर भक्तगण आ रहे हैं और जा रहे हैं। सर, इन दिनों महादेव मेला चल रहा है, जो कि मध्य प्रदेश ही नहीं महाराष्ट्र के भी श्रद्धालु बड़ी संख्या में आते हैं। क्या पुलिस ने व्यवस्था कर रखी है और क्या सुधार होंगे दुर्घटना के दृष्टिकोण से? देखिए, ये जो महादेव मेला है इसमें काफी अधिक संख्या में, लाखों की संख्या में दर्शनार्थी आते हैं और ये महाराष्ट्र के अमरावती, नागपुर और कई ग्रामीण अंचलों से भी लोग आते और स्थानीय भी आसपास के जिलों से और छिंदवाड़ा के भी लोग आते हैं। और इसमें एक, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं तो निश्चित तौर पे एक चुनौतीपूर्ण स्थिति रहती है। पूर्व में सालों में कुछ दुर्घटनाएं भी हुई है, इनको दृष्टिगत रखते हुए यातायात नियंत्रण हेतु पुलिस ने नाके लगाए हैं, जिनमें ब्रेथ एनालाइजर से जो शराब पी के वाहन चलाते हैं उनकी चेकिंग की एक नवीन व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जो ओवरलोड वाहन आते हैं उन पे लगातार आरटीओ के साथ मिलके पुलिस कार्रवाई कर रही है। और इसके अतिरिक्त जो वाहन के अन्य कागजात, फिटनेस इत्यादि भी चेक किया जा रहा है, ताकि इस तरह की कोई वाहन की दुर्घटना न हो। जिन स्थानों पे पूर्व में दुर्घटना हुई है उन हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है। उन स्थानों पे पीडब्ल्यूडी की मदद से जो सुधार करने हैं रोड और ब्रिज इत्यादि में, वो भी कार्य किए जा रहे हैं। और समुचित स्थानों पर बैरिकेडिंग स्टॉपर चिन्हित कर लगाए गए हैं। पूरे जो महादेव क्षेत्र में जो एरिया का मैप बना करके इस प्रकार स्टॉपर पॉइंट, बैरिकेड पॉइंट, पार्किंग और भंडारे के स्थल, ये सब चिन्हित करके पृथक पृथक व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। एक आकस्मिक प्लान भी बनाया गया कि जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो ऐसी स्थिति में यातायात वाहन उसमें से ना निकले, इसे तो उनको दूसरे टामिया क्षेत्र के मार्ग से भेजने का एक वैकल्पिक प्लान भी बनाया गया है। और इसके अतिरिक्त सिविल में भी बल लगाया गया है कि किसी प्रकार से महिला सुरक्षा और उसकी कोई चैलेंज ना रहे। और
आवश्यक जो बल है, संसाधन अतिरिक्त भी लगाए गए हैं, वायरलेस का कम्युनिकेशन का चैनल भी लगाया गया है, और मजिस्ट्रेट और पुलिस मिलकर संयुक्त रूप से इसमें जो ड्यूटी सभी विभाग करें उसकी कलेक्टर साहब और मेरे द्वारा मीटिंग ली गई है, और इसमें माननीय DIG साहब द्वारा भी भ्रमण करके हमें निर्देश प्राप्त हुए, सभी व्यवस्थाएं की जाके सुचारू रूप से कार्यक्रम चलाने की। भगवान भोलेनाथ का दर्शन पाकर भक्त आनंद में है, उत्साह में है, जय जय भोलेनाथ के नारे भक्त लगा रहे हैं, भगवान शिव की भक्ति में कहीं ना कहीं जोश में है भक्त, बड़ी संख्या में प्रतिदिन भगवान के दर्शन करने भक्त चौड़ागढ़ पहुँचे, और भक्तों में एक उत्साह और उमंग है, प्रतिदिन दर्शन पाकर भक्त आनंद में अभिभूत हैं। इन दिनों कहीं ना कहीं महादेव को लेकर महादेव मेला अपने गजब के उत्साह में नजर आ रहा है, संख्या प्रतिदिन दिन दोगुनी रात चौगुनी हो रही है, और भक्त भगवान शिव के दर्शन पा रहे हैं। चौड़ागढ़ का यह महादेव मेला अब महाशिवरात्रि के पड़ाव में आ खड़ा है। 8 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अर्चन होगा और महादेव मेले का समापन 9 मार्च को होगा। इस तरह से भोलेनाथ की भक्ति को पाकर भक्त अभिभूत हैं। अजय द्विवेदी, IBC 24, महादेव मेला, छिंदवाड़ा।